हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख सकते हैं हमारे साथ है शाइन एसपी 125 2021 ग्रे मेटालिक। तो आज हम इसका टोटली डिटेल रिव्यू बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें तो आपको LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि गाड़ी के लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर देती है, और इसी के साथ यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर्स, यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर, और भाई कलर की बात करें ना गाड़ी की, यही मेन है जो इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा अच्छी दिखती है। जो ये कलर मैट फिनिश काफ़ी ग्लॉसी लुक दे देती है। और नीचे से बात करें तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे आपको 240mm का डिस्क पैड मिल जाता है जो कि ABS नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे ट्यूबलेस टायर विद 18 inches अलॉय, इसका टायर सेक्शन है 80x100 आर 18 inch के टायर्स मिल जाते हैं। आप गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग से बात की जाए तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लुक दे देती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होंडा का लोगो, और इसमें के साथ यहाँ पे जो पुशअप बनाया गया है ये कोई रेडिएटर के लिए नहीं है, ये खाली एक स्टाइल देने के लिए है। यहाँ पे HET BS6 का बैजिंग और यहाँ पे SP125। इसके साथ इंजन की बात करें तो यहाँ पे 124cc का इंजन मिल जाता है जो कि रिलीज करता है 10.9 BHP का पावर और 10.8 Nm का टॉर्क, जो कि BS6 FI इंजन एयर कूल्ड इंजन है। इसमें आपको एक और खासियत है, आपको मिल जाता है 5-speed गियरबॉक्स, मतलब इसमें 5 गियर्स मिलते हैं। 125cc में आप 5 गियर्स भी मिल रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। साइलेंसर एग्जॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जॉस्ट भी अच्छा खासा ही जगह से लेके गए हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का काफ़ी है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 160mm और 120kg अप्रॉक्स इसकी वेट है। और ऊपर से ही बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11 लीटर्स का टैंक मिल जाता है जो कि इस गाड़ी के हिसाब से तो काफ़ी ठीक ही है। और सीट की बात की जाए तो सीट आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलता है, यहाँ पे नॉर्मल सीट ही मिलता है जो कि गाड़ी के हिसाब से तो बहुत कंफर्टेबल और काफ़ी ही अच्छा पोस्चर है इसका बैठने का। इसी के साथ यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी स्पीडोमीटर की, यहाँ पे आपको डिजिटल टैकोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर सब डिजिटल मिल जाता है। इसको हम ऑन कर देते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट, यहाँ पे एको, और यहाँ पे इंजन चेक लाइट, यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी, यहाँ पे आपको रेंज भी दिख जाएगा कि पेट्रोल लगाने के बाद गाड़ी कितने किलोमीटर, यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये काफ़ी अच्छा और एडवांटेजेबल फीचर दे दिया गया है होंडा की तरफ से इस गाड़ी में। और यहाँ से अगर हम देखेंगे गाड़ी कितनी किलोमीटर चल चुकी है वो भी दिखा देगा, और यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 और किलोमीटर पर लीटर माइलेज, यहाँ पे सर्विस इंडिकेटर। इसके साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड हैंडल बार के देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न की बात की जाए तो हॉर्न आपको बीप हॉर्न ऐसा कुछ हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पे जो पास स्विच है ना, इसको आपको पास ऐसा करना है, अगर आपको हाई बीम लगाना है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से अगर आप इसको पुल फ्रंट की तरफ पुल करेंगे तो हाई बीम लग जाता है अपना। ये भी एक अच्छा खासा जो ड्यूक में आता था पहले 390 में, वो फीचर इसमें भी दे दिया गया है। और राइट साइड आपको यहाँ पे स्विच मिल जाता है, कोई सेल्फ नहीं मिलता आपकी गाड़ियों में, तो आपको पता ही है स्विच मिल जाता है। जब आप ऐसा इसको करके लगाएंगे गाड़ी अपनी स्टार्ट होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है तो मैं वेस्ट साइड में स्टार्ट होती है, इसका एग्जॉस्ट नोट आप सुन लीजिएगा। रियर से बात की जाए तो रियर से भी आपको काफ़ी शार्प लुक मिल जाती है गाड़ी की तरफ से, यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना हैलोजन टेल लाइट मिल जाता है, कोई LED टेल लाइट नहीं मिलती, हैलोजन इंडिकेटर्स। इसके साथ यहाँ पे एक बैक लाइट जो कि नंबर प्लेट पे लाइट देती है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर। और टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको विजिबल होगा कि नहीं, 80x100 आर 18 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी काफ़ी मैट कलर में दे दी गया है जो कि गाड़ी के साथ मैच ही कर देते हैं। 130mm का ड्रम मिल जाता है यहाँ पे, तो वो ड्रम ब्रेक मिलता है इस गाड़ी में आपको, वो जो कि 130mm का है। और यहाँ पे चेन ड्राइव गाड़ी है जो कि यहाँ पे चेन कवर के साथ मिल जाता है आपको। और यहाँ पे एक और चीज़ दे दिया गया है जो कि है अपना ये थर्ड पर्सन जो भी बैठता है उसके लिए भी यहाँ पे लेग गार्ड मिल गया है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं इसमें दोनों ही तरफ। तो लेफ्ट साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसमिशन बॉक्स, यहाँ पे 5-speed गियर बॉक्स इसमें मिलता है, यहाँ पे आपको अपना प्रोटेक्टर बोल सकते हैं या बम्पर हम तो बोलते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सिंगल स्टैंड, इस गाड़ी में डबल स्टैंड भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी लिख कर देती है, जैसा कि कोल्ड है फ्रंट 175 PS, मतलब 25, राइडर विपिलन 41, ऐसा कुछ दे दिया। यहाँ पे चेन एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, यहाँ पे सब कुछ छपा। और गाड़ी की तो बात की जाए तो गाड़ी तो काफ़ी इस सेगमेंट के लिए, तो ये गाड़ी तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है। तो जैसा कि आप देखते हैं गाड़ी की ओवरऑल लुक तो बहुत अच्छी है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर
कमेंट कर देना, और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना।